चालाकी से बात कैसे कर रहे हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका कोई अंत नहीं है। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो बोलता है, और बोलने से, बात करने से ही पूरी दुनिया चल रही है। सोचो इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक दिन के लिए सब लोग लैंग्वेज भूल जाए, बात करनी भूल जाए। उनके दिमाग में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको बात करनी नहीं आती, उनको एक भी शब्द नहीं पता। एक अभी जन्म हुए बच्चे की तरह उनको कोई भाषा नहीं आती है, उनको कुछ भी बोलना नहीं आता है, उनको अपनी बात बतानी नहीं आती है। अब ये इमेजिन करते हुए आपको समझ आ रहा होगा कि यार क्या इंपॉर्टेंस है बात करने की। इंसान बोलकर अपनी बात बताता है, लैंग्वेज से अपनी बात बताता है, पर बात करने की कला सीखने के बाद में ना केवल वो अपनी बात बताता है बल्कि वो अपनी बात मनवाता भी है। बहुत से स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग जिनको बहुत कुछ आता है, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है, पर किसी इंपॉर्टेंट इवेंट या सिचुएशन पे किसी से बात करते वक्त ना चाहते हुए भी अपना एक नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ देते हैं। फिर सोचते हैं कि यार काश मैं ये बोल देता, काश मैं इस तरह से बात को घुमा लेता, शायद मैंने अपना इंप्रेशन इतना अच्छा नहीं बनाया है। बात करने की कला किसी जादू से कम नहीं है। आप बातों से दुनिया जीत सकते हो, ज्ञान से नहीं। बातों से खेलने वाला इंसान ज्ञानी से भी अपना काम करवा सकता है, ज्ञानी इंसान को भी घुमा सकता है। वुड्रो विल्सन कहते हैं कि कभी कभी स्मार्ट होना ही नहीं, स्मार्ट नजर भी आना उतना ही जरूरी है। सामने वाले को लगना भी चाहिए कि आप स्मार्ट हो, ना केवल आप अंदर से स्मार्ट हो केवल। चलो सीखते हैं चालाकी से बात कैसे करें। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिख कर आए हो। पॉइंट नंबर 1, गेट योर फैक्ट्स राइट। जो आप बोल रहे हो वो सही होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, डोंट से अ वर्ड, कुछ भी मत बोलो। अगर कोई पूछे भी तो कहो कि यार आपको इसकी जानकारी नहीं है, आपको नहीं पता ये चीज। बिकॉज इफ यू स्पीक एंड मेक एन एरर, आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, गलती कर रहे हो बोलते वक्त, तो सामने वाले को फील हो जाएगा कि यार आप कुछ ना कुछ है जो गलत बता रहे हो, आप फेंक रहे हो बातों को। इस तरह से आप बेवकूफ नजर आते हो, आप अच्छे नहीं लग रहे हो वहां पे। नंबर 2, अब मान लेते कि आप उस टॉपिक की पूरी समझ रखते हो और आप किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो, बट द नेक्स्ट थिंग यू नीड इज कॉन्फिडेंस। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, इनकरेक्ट फैक्ट्स और झूठ भी सामने वाले को सच लग जाएगा अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हो। लेकिन अगर आप सच भी बोल रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस लो है, तो वो बात भी सामने वाले को झूठ लग जाएगी। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू से एंड नॉट व्हाट यू से। कैसे आप बात को बोलते हो, वो क्या बोलते हो, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, शब्दों का इस्तेमाल ढंग से करो। राइट मोमेंट पर राइट वर्ड अगर आपने यूज करा तो काफी काम आपका आसान हो सकता है। राइट वर्ड्स का इस्तेमाल उस इंसान से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता जिसे केवल कुछ ही वर्ड्स में एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, विज्ञापन लिखना है किसी कंपनी के लिए जो पूरी दुनिया को दिखेगा। उससे ज्यादा शब्दों की ताकत और कोई नहीं समझ सकता। कम शब्दों की ताकत, कि कम शब्दों में और आसान शब्दों में कैसे बात को कन्वे करनी है। शब्दों के अलावा आपके वाक्य भी काफी आसान होने चाहिए। वर्ड्स ऐसे चूज करो बोलने के लिए जो उन लोगों को समझ में भी आए जिसके लिए आप बोल रहे हो। कई लोग स्मार्ट बनने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो सामने वाले को समझ नहीं आ रहे लेकिन तब भी वो बोलते ही जाते हैं। तो आपको स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। ट्रस्ट मी, इट ऑलवेज बैकफायर्स। नंबर 4, लोग आपकी बात सुनते हैं क्योंकि यू हैव द राइट नॉलेज ऑफ पॉजेस। आपको कब रुकना है ये आपको पता है, और आपके टोन में करेक्ट डायनेमिक्स है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे लाउडली बोलना है और कहाँ लो वॉल्यूम में बोलना है, प्लस कहाँ पे पॉज लेना है। आपको पता होना चाहिए कि यार ज्यादा बोलना किसको बोलते हैं और अच्छा बोलना किसको बोलते हैं, दोनों के बीच में फर्क आपको पता होना चाहिए। नंबर 5, ओवरऑल इफेक्ट तब अच्छा बनता है जब आप ये सीख जाओगे कि बोलना किस अंदाज में है, और ये अंदाज आपका कैसा होगा ये उस बात पे और उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा जो उस समय हो रही है बात। आपका अंदाज हर जगह अलग अलग होता है। नंबर 6, अगर आप बोलते टाइम आई कॉन्टेक्ट नहीं बना पा रहे हो तो आप अपना ही लॉस कर रहे हो। सामने वाला सोचेगा यू आर ट्राइंग टू अवॉइड द कॉन्वर्सेशन। और तो और ऐसा करने से आपकी ही बातों पर ट्रस्ट नहीं किया जाएगा। सो आंखों में आंखें डाल के आपको बात करनी आनी चाहिए। बात करो राजा की तरह और काम करो गुलाम की तरह। मेहनत करो मजदूर वाली और तेवर रखो बादशाह वाले। नंबर 7, लोगों की एक ये प्रॉब्लम है कि जब वो बोलते हैं तो उनके फेस पर करेक्ट इमोशंस नहीं दिखते हैं, और इमोशंस होते भी है तो उनकी बातों से मैच नहीं कर रहे होते हैं। चैटिंग में आपने देखा होगा इमोजी यूज करते हैं तो यार वो चैटिंग काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो आपको बातों को बोलते वक्त भी आपकी आवाज में और आपके चेहरे पे वो इमोशन दिखना चाहिए, जिससे आपकी बातें रोबोटिक कम और सामने वाला इंसान भी आपसे एक कनेक्टेड फील करे। नंबर 8, बोलने से पहले सुन लो। इज्जत उससे ज्यादा मिलती है जो पूरी तरह से सुनने के बाद में बोलता है, ना कि केवल बोलने के लिए सुनता है या फिर अपनी बारी का वेट करता है। नंबर 9, ऑलवेज स्टार्ट विद सामने वाले का इंटरेस्ट। आप पहले सामने वाले को क्या चाहिए उसके ऊपर बात करो। आपको सामने वाले को बोर नहीं करना है, आपको सामने वाले को अट्रैक्ट करना है, इसलिए आपको सामने वाले का क्या इंटरेस्ट है उससे आपको कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करनी चाहिए। नंबर 10, क्या आपके कुछ कहने से बात बेटर समझ में आ रही है, क्या आपके कुछ बोलने से नई चीज ऐड हो रही है बात के अंदर। अगर नहीं तो आप चुप रहो वरना लोग आपको हल्के में लेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। सही जगह पर बोलते हो तो आपका काम बन सकता है, सक्सेस मिल सकती है, और अगर सही जगह पर चुप रहते हो तो वो भी गलत है, वो भी आपका नुकसान कर सकता है। नंबर 11, पहले आप सामने वाले
इंसान को स्टडी करो, सिचुएशन को समझो, भले थोड़ा सा ब्रेक लेकर सोचो, पर अच्छे से उस जोन में आओ। पहले आप कुछ भी बोलो, पहले आपको उस टॉपिक पे फोकस्ड होना होगा, आपको बात पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप रेलेवेंट बातें बोल पाओगे, वो बोलोगे जो काम का है। काम की बात इंसान तभी बोल सकता है जब उसका ध्यान हो उस सिचुएशन में। नंबर 12, आपके सामने जो इंसान है उसका टेस्ट और उसका इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो वो कैसे पेज फॉलो करता है, वो कैसे पोस्ट लाइक करता है, कौन से एक्टर को फॉलो करता है, करती है, मूवी को पसंद करता है, करती है, कंपनी, ब्रांड, क्या सामने वाले को पसंद है, ये सब चीज़ आपको पता होगी तो आप ज़्यादा अच्छे से रिलेटेबल बात बोल पाओगे। सामने वाले को लगेगा कि यार ये मेरे कैटेगरी का बंदा है, इससे और बातें करते हैं, अरे भाई भाई वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। नंबर 13, बात ऐसे शुरू करो कि सामने वाले को लगे कि उसके मतलब का भी कुछ इसमें जरूर आएगा और वो वेट करेगा उसके इंटरेस्ट की बात आने का। आप अपनी बात को एंगेजिंग तभी बना सकते हो जब सामने वाले को आप ये फील करवा दो कि तेरे मतलब का भी इसमें कुछ जरूर है। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये फील करवा देता हूँ कि आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, मैं आपको ये फील करवा देता हूँ कि कुछ है जो आपके मतलब का है। नंबर 14, क्या आप लोगों को उनकी गलतियां बिना नाराज किए उन्हें बता सकते हो? अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपको ये सीखना होगा। आपको सामने वाले की क्या गलती है उसको बतानी आनी चाहिए बिना सामने वाले को नाराज किए। कोई भी सामने वाले की गलती है उस चीज को ऐसे कहो कि सामने वाले को अगर ये नहीं पता होती तो उसका नुकसान हो सकता था। सामने वाले को आपको फील करवाना होगा जो आप बात बोल रहे हो, जो आप गलती निकाल रहे हो, सामने वाले को फील करवाना होगा कि यार वो कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर 15, किसी को ना कहने में, नो कहने में हिचकिचाओ मत। यू कैंट मेक योरसेल्फ अवेलेबल टू एवरीबॉडी ऑल द टाइम। आपको ना कहना सीखना होगा। आप सबको खुश नहीं कर सकते और ना आप उसकी कोशिश करो। बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड योर इंटरेस्ट। आपको सच्चाई बतानी है कि यार ये क्यों नहीं करनी है मुझे, ये क्यों नहीं कर सकता मैं, और ना दे दो। नंबर 16, अपने ओपिनियंस को क्लियरली आपको कहना आना चाहिए। इधर उधर घुमा की बातें आपको नहीं करनी है। हमेशा यस मैन आप नहीं बन सकते, आप हमेशा यस नहीं कह सकते। हर इंसान की गुड बुक्स में सिर्फ वही इंसान आ सकता है जो खुद अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करना चाहता है। यानी कि हर इंसान का प्यारा वही बन सकता है जो सबको खुश रखता है, और सबको खुश वही रख सकता है जिसका खुद का कोई काम ना हो। एक बिजी इंसान को लोगों को थोड़ा सा हर्ट करना होता है। अगर आपको सबको खुश रखना है तो आप आइसक्रीम बेचो, बिजनेस मत करो, काम मत करो। नंबर 17, डोंट लेट पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड व्हाइल यू स्पीक। लेट देम नो दैट यू हैव योर ओन स्टैंड। जब आप बोलो तो किसी को भी ये मत लगने दो कि आप हल्के आदमी हो, आप हल्के इंसान हो। उम्र भले आपकी कम भी हो तब भी आप अपने बात करने के तरीके से आप मैच्योर बन सकते हो। शब्दों की ताकत और बोलने का अंदाज पूरा इस्तेमाल करो। सामने वाले को लगना चाहिए ये इसका खुद का स्टैंड है, ये बंदा यहाँ से हिलेगा नहीं। सामने वाला कभी भी आपको हल्के में ना ले, आपको हमेशा बारी में ले, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। और अपने आप को पावरफुल और स्ट्रांग आप दिखा सकते हो बात करने की कला से। नंबर 18, एक रिसर्च ये कहती है कि जो लोग सिचुएशन के हिसाब से ड्रेसिंग करना जानते हैं उनकी इमेज दूसरों की नजरों में एक स्मार्ट इंसान की बन जाती है। और आप अपनी बातों से और अपनी सोच से स्मार्ट नहीं बनते हो, बल्कि आपकी अपीयरेंस और आपका ड्रेसिंग सेंस भी आपको एक स्मार्ट पर्सन की इमेज देता है। आप भले ही कितने स्मार्ट हो लेकिन अगर आपने अपीयरेंस पे काम नहीं कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी डिसएडवांटेज भी हो सकती है, क्योंकि जो भी आपको देखता है तो कुछ ही सेकंड्स में आपके कपड़े देखते हैं उसको, ना कि आपका माइंडसेट, आपके थॉट्स। आप कितने स्मार्ट हो वह पहले आपके कपड़ों से पता लगता है, देन आप मुंह खोलते हो, बोलते हो, तब लगता है कि यार बंदा बड़ा स्मार्ट है, ज्यादा किसे बात कैसे करे कि ऊपर वीडियो देख के आया है कुल मित्रों की। नंबर 19, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की जॉइंट स्टडी हुई है, और वहां से यह पता लगा है कि आप पब्लिक में ओपनली सबके सामने ड्रिंक करते हो ये समझते हुए कि यार मैं स्मार्ट लग रहा हूं, तो 80% चांसेस है कि लोगों के परसेप्शन में आप एक लेस इंटेलिजेंट की तरह रजिस्टर हो गए। सामने वाले को आप स्मार्ट नहीं लगोगे, सामने वाला इंसान आपको इंटेलिजेंट नहीं समझेगा अगर आप ऐसा करते हो। इनफैक्ट बहुत सारे कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि पब्लिकली ड्रिंक करना इज नॉट ए गुड चॉइस, स्पेशली व्हेन यू वांट टू मेक अ डिसेंट इंप्रेशन ऑन द पब्लिक। कुल मिला के बात यह है कि आपको पब्लिक में ड्रिंक नहीं करनी है, इससे आपका इंप्रेशन बहुत खराब होता है, ये दो यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है। नंबर 20, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग फनी लोग जो होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। आपको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को डेवलप करना होगा। सेंस ऑफ ह्यूमर वहां पे भी काम करता है जहां पे आपको गर्ल को इम्प्रेस करनी होती है। आपको हर सिचुएशन पे अपना एक फनी टेक रखना आना चाहिए, तो जब लोगों को आपके जोक्स पे हंसना आता है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, तो उनके माइंड में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो एक इनविजिबल कनेक्शन जनरेट करते हैं उस फनी इंसान के लिए, और वो कनेक्शन ऑटोमेटिकली लोगों को उस फनी इंसान का फैन बना देता है। नंबर 21, हमेशा जितना रिक्वायर्ड है, जितना जरूरी है उतना ही बोलो और कम बोलो, क्वालिटी बोलो, क्वांटिटी में मत बोलो। जब आप बोलो तो ऐसा माहौल बना के रखो कि लोग आपको सुनने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। इंग्लिश में कहावत भी है, ऑलवेज कीप देम वांटिंग मोर। नंबर 22, बॉडी लैंग्वेज। जब आप बोल रही हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथ कैसे मूव कर रहे हैं, आपके खड़े रहने का पोस्चर कैसा है, आप बैठे हो तो आपका बैठने का पोस्चर कैसा है, क्या आपका जो पोस्चर है वो आपकी बातों से मिल रहा है, मैच हो रहा है। आपको हद से ज्यादा भी मूव नहीं करना है, आपके हाथ वियर्ड भी नहीं लगने चाहिए, बहुत ज्यादा हाथों को हिला रहे हो, या फिर आप खड़े ऐसे हो जैसे सामने वाले को मारना चाहते हो।
मुस्कुराते हो लेकिन बात बड़ी सॉफ्ट कर रहे हो, बातों से आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मिलनी चाहिए, आपकी नेक आपकी गर्दन बैलेंस्ड वे में मूव करनी चाहिए। ये सारी बातें अगर आप ढंग से करते हो तो आपकी बात भी इफेक्टिव होगी और आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगेगी सामने वाले को। चालाकी से बात कैसे करें उसके ऊपर ये तो केवल एक ट्रेलर था। अगर आपको वाकई में चालाकी से बात करनी सीखनी है, प्रीमियम कॉन्टेंट चाहिए उसके ऊपर, आपको कम्युनिकेशन अच्छी बनानी है, सीखना है कैसे बात करते हैं, कैसे अपनी बात मनवाते हैं, हाई क्वालिटी कॉन्टेंट देखना है इसके ऊपर, तो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है चालाकी से बात कैसे करें। इस कोर्स में कंप्लीट तरीके से A to Z हर तरीके से बता रखा है कि कैसे आपको बात करनी है और कैसे आपको बात नहीं करनी है, कब लोग आपको भारी समझेंगे, बातों से आप पूरी दुनिया जीत सकती हो। कम नॉलेज वाला इंसान भी ज्ञानी इंसान से अपना काम करवा देता है सिर्फ चालाकी से। एक लीडर कोई काम नहीं करता है लेकिन एक लीडर होशियारों से अपना काम करवाता है चालाकी से। तो अगर आपको चालाकी से बात करनी सीखनी है तो आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। मुझे इस कोर्स पे इतना भरोसा है कि आपको पसंद आएगा ही आएगा कि इसके ऊपर मैंने 3 डेज मनी बैक गारंटी रखी है। आप रिफंड ले सकते हो अगर आपको लगता है कि यार इतना अच्छा कोर्स नहीं है। और अगर आपको ये फ्री कॉन्टेंट काफी अच्छा लगा है तो प्लीज यार लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।